पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद स्थित अपने पुराने फ्लैट में दोबारा शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल आज वहां पर जनता दरबार भी लगा सकते हैं। लौट के केजरीवाल वहीं पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली कूच किया था। एक बार फिर केजरीवाल का ठिकाना गाजियाबाद की कौशाम्बी का गिरनार अपार्टमेंट होगा। दिल्ली के सीएम बनने के बाद से केजरीवाल राजधानी के तिलक लेन में रह रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल का सारा सामान वापस गिरनार अपार्टमेंट पहुंच गया है। उनकी ब्लू वैगनआर कार भी अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच गई है। केजरीवाल ने 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी दिल्ली का सरकारी मकान नहीं छोड़ा था। तब केजरीवाल को 15 दिन के भीतर सरकारी मकान छोड़ना था, लेकिन बेटी की परीक्षा का हवाला देकर उन्होंने ये समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन बाद में केजरीवाल लोकसभा चुनाव में बिजी हो गए। चुनाव के बाद केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में अपने लिए किराए का मकान भी पसंद किया था, लेकिन मामला कोर्ट कचहरी में उलझ गया, जिसके बाद केजरीवाल ने एक बार फिर से कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट में शिफ्ट करने का फैसला किया है। यहाँ केजरीवाल की IRS पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर फ्लैट आवंटित हुआ है। इसी ट्रक में अरविंद केजरीवाल का जो सामान है वो गाजियाबाद पहुंचा है। अब अरविंद केजरीवाल यहीं पर रहेंगे और निश्चित तौर पर अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव भी होते हैं तो निश्चित तौर पर वो चुनाव भी अब वो यहीं रहकर लड़ेंगे। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाका है, पौश इलाका है। गाजियाबाद में शिफ्ट होने के बाद अब देखना यह है कि केजरीवाल के लिए दिल्ली कितनी दूर साबित होती है। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज़।